नमस्कार, मैं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्तर न्यूज़। कोटा में भारतीय किसान संघ द्वारा उमेद सिंह स्टेडियम से संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने संभागीय आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। आइए देखिए कुछ हल किया। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। वो माता को जीने दो दूध की नदियाँ बहने दो। वो माता को जीने दो दूध की नदियाँ बहने दो। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी देंगे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी। किसानों ने खाना है लाभकारी मिले पाला। ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि इसके जो ये कार्यकाल निकला है 4 साल का, इसमें काम करने का तो कोई नाम नहीं है, केवल बहानेबाजी या झूठे आश्वासन। इसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए हमारे पास भी कोई चारा नहीं बचा है कि इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। इसमें प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे नर्क से पानी निकलता है लेकिन यहाँ से छोड़ा जाता है लेकिन वहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँचता, सुल्तानपुर से आगे पानी नहीं पहुँच रहा कुल मिला। इसके अलावा है जो सिंचित जमीन है, उसके अलावा असिंचित जो जमीन है जैसे ठेला सुहाना भांडा हेड़ा है, इधर मंडना क्षेत्र का है, तो सरकार वादे तो कई दिनों से कर रही है लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पेट खा लिए तो वो क्या करेंगे? आंदोलन के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। सरकार को जो जमीन पड़त है उसका मुआवजा देना चाहिए। पानी के बिना जो कनेक्शन पानी नहीं मिल रहा है तो कनेक्शन जिनके हैं और उनकी जमीन बिना पानी के पड़त है तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। क्या नाम आपका? प्रेम शंकर ठाकर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। कन्या का पैसा आपका क्या कहना इस बारे में? भाई हमारा ये है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है और उनने कांटे लगाने की व्यवस्था के लिए कहा था कि हम कांटे लगा देंगे और तुरंत सरसों चना गेहूं की तुलाई शुरू कर देंगे, लेकिन आज दिन तक अभी न तो कांटों का सिलसिला है, न कोई बारदाना है, न कोई व्यवस्था है। हम चाहते हैं प्रत्येक पंचायत केंद्र पर कांटे लगे और किसानों की जींस पूरी की पूरी तोली जाए। ये नहीं है कि उसका जो है कोटा बांध दिया जाए कि 5 क्विंटल तोलेंगे 10 क्विंटल तोलेंगे, ये नहीं। किसान की जितनी पैदावार होती है किसान की उस पैदावार को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे और उनको समय से पैसा दे। उड़द तुलवाया था लोगों ने लेकिन उनको 2-2 महीने हो गए, उड़द का पैसा आज दिन तक किसानों के खाते में नहीं आया है। एक हमारी विशेष मांग ये भी है। दूसरा, बिजली की व्यवस्था के लिए हम बहुत व्यतीत है, सारे किसान बहुत व्यतीत है। बिजली हमें मिलनी नहीं है, 6 घंटे मिलती है वो भी रात के कड़ाके की सर्दी में। किसान को तकलीफ आए मर जाए किसान कोई सुनने वाला नहीं है। इस निमित्त हम जो है आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राज्य सरकार के नाम और तुरंत कांटे लगाने के जो है उसके लिए आह्वान करेंगे। इस मामले को लेकर आप जनप्रतिनिधियों से मिले हो क्या? हाँ, जनप्रतिनिधियों से मिले हैं लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते हैं। ऐसे हमारे मंडाना का क्षेत्र है पूरा सूखा है, 75% 80% जमीन पड़त है वहाँ की, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इवन अब पानी पीने की भी व्यवस्था वहाँ खत्म हो गई है, पानी पीने का भी जो है स्थिति खराब हो गई है, पानी पीने का भी नहीं है मंडाना क्षेत्र में। और अपने जो इटावा क्षेत्र में जो अपनी बड़ी नहर निकल रही है इटावा क्षेत्र में, जो यहाँ से MP को पानी देते हैं लेकिन हमारा क्षेत्र सूखा पड़ा है, इटावा के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, फसलें सूखने के कंगार पे। कितनी दफा आपने ज्ञापन दे दिया, अधिकारियों को दे दिया, नेताओं से मिल लिए लेकिन कोई कार्रवाई आज दिन तक हुई नहीं है। आपका नाम क्या? गिरिराज चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ।